दोस्तों यदि आप सीता जी समाहित स्थल यानी सीतामढ़ी के पहला पार्ट नहीं देखें तो आप इस वाले वीडियो पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सेकंड पार्ट इसका दिखाने वाले हैं, यानी कि सीता जी के समाहित स्थल को दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सीता जी समाहित स्थल। दोस्तों इसी रास्ते से हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद लेफ्ट साइड में ये गेट मिल जाएगा और यहाँ का जो है मार्केट व्यू देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है एंट्री गेट, चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं एक झरना लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी हम आपको इसको बैक कैमरे से दिखाते हैं। यहाँ पर झरने के बगल में एक मूर्ति है जो कि स्वामी जितेंद्रानंद जी की है, जिनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और यहाँ बगल में हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है जहाँ से हम लोग अभी लौटकर आए हुए हैं। और ये सामने देख सकते हैं एक होटल है। यहाँ से आगे चलते हैं तो एक छोटी सी मंदिर दिखाई देती है, इसके बगल में शंकर जी की मूर्ति है जो कि पहाड़ पर बैठे हुए हैं और उनके चोटी से गंगा जी निकल रहे हैं, इसी को यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से दिखाया गया है। और यहाँ पर शंकर जी के मूर्ति के नीचे एक गुफा बनी हुई है, चलिए हम आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इस गुफा के अंदर आ चुके हैं जो कि काफ़ी अंधेरा है, जगह जगह पर लाइट लगी हुई है और आगे की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं काफी अंधेरा है यहाँ पर, आपको लगता होगा कि डर लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर बाहर की तरफ निकलते समय शिवलिंग है जो कि आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इनका, उसके बाद बगल से ही गेट निकल लगा हुआ है, आगे आप निकल सकते हैं बाहर की तरफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीता समाहित स्थल मंदिर की तरफ। दोस्तों फाइनली जो चीज आपको दिखाने के लिए इंतजार कर रहे थे वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और यही है वो मंदिर सामने की तरफ जहाँ पर माना जाता है कि सीता जी यहीं पर समाहित हुई थी। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर मंदिर के दोनों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं जो कि अभी के टाइम पर काफ़ी गंदा हो चुका है और जब हम आए थे तो काफ़ी साफ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों अभी हम लोग इस मंदिर के पास में पहुँच ही गए हैं, तो ये घंटा लगा हुआ है, चलिए इसे हम बजा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इस मंदिर के पास पहुँच गए हैं और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े से बनाया गया है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आप भी कभी आइए इस मंदिर का दर्शन कीजिए। और हम यहाँ पर इस मंदिर के चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप छोटे छोटे कांच से ही बनाया गया है। और हम आपको एक बार इसके पास से दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाए गए हैं और इसमें देख सकते हैं हमारी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम इस मंदिर के चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इस मंदिर के चारों तरफ ये देख सकते हैं पानी है, शायद गंगा नदी से आया हुआ पानी है और यहीं से जाता भी है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी के टाइम पर यह साफ़ सफाई नहीं किया गया है। और यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत है क्योंकि नमी की वजह से यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। और यदि आप भी कहीं घूमना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आइए ज़रूर। और इस मंदिर के दीवारों पर भी कुछ इस तरीके से पेंटिंग लगाई गई हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। चलिए सीता जी समाहित स्थल के पास, यहाँ पर इस मंदिर से बाहर निकलते समय बाईं साइड में देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है सीता समाहित स्थल, तो ये आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आना होगा नीचे की तरफ सीढ़ी के माध्यम से। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति बनाई गई है ये पुराणों के मुताबिक मानक मान करके ये बनाया गया है, कोई यहाँ पर वास्तविक कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में शायद आप अंदाज़ा न लगा पा रहे हों, बताना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति है चारों तरफ से कांच के अंदर बंद किया गया है और इस मूर्ति के पीछे की तरफ दीवार पर देख रहे होंगे कुछ रामायण से मिलती जुलती तस्वीर बनाई गई है। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर भी कांच लगाया गया है, यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे और ये जो स्थान है कभी कभी इसे बंद भी कर दिया जाता है जब ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो
दोस्तों अब हम लोग चलते हैं गंगा नदी के किनारे और समय मिलेगा तो हम आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर भी ले चलेंगे क्योंकि शाम होने वाली है और घर पर भी जाना है। दोस्तों यहाँ पर हम हनुमान जी के मूर्ति के पीछे के साइड से गंगा नदी के किनारे चल रहे हैं। यहीं पर रास्ते में वहाँ पर देख सकते हैं वो सामने पर महर्षि वाल्मीकि जी का जो कि आश्रम है। अगर वक्त मिलेगा तो हम आप सभी को यहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं गंगा नदी के किनारे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग गंगा नदी के किनारे पहुँच चुके हैं जो कि इस सीढ़ी के माध्यम से नीचे तक चलेंगे और आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भदोही जिला का गंगा नदी के किनारे का सीन है कुछ इस तरीके से, जो कि शाम होने को है इसलिए बहुत साफ नहीं दिखा पा रहे हैं। और देख सकते हैं ये जो सामने की तरफ दिखा रहा है थोड़ा सा वाइट, यहीं पर है महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर गंगा के किनारे पर आए हुए हैं जो कि प्रयागराज से होते हुए यहाँ पर भदोही जिला से होते हुए ये वाराणसी तक गया हुआ है। और यहाँ का व्यू थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं किस तरीके से। और एक खास बात आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, यहाँ की जो मिट्टी है कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये बाल को धुलने के लिए काफ़ी काम आती है खासतौर पर महिलाओं के लिए जो कि डैंड्रफ होते हैं। तो यहाँ पर इसको ले चलते हैं अपने घर और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पर हम आपको गंगा के एकदम पास पे ले जाकर इसका थोड़ा सा बहाव को दिखाते हैं किस तरीके से है। ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये है गंगा नदी। ये देखिए हमारे एक खास मित्र हैं मनीष भाई, ये क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? हाँ, चिकनी मिट्टी। आइए फ्रेंड, आइए फ्रेंड, कहाँ आप लगा यार? समझ लो आवाज नहीं निकल रही है, बाकी सब निकल रहा है। तो दोस्तों काफी शाम हो गई है, अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। आप सभी से माफी चाहते हैं क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का जो कुटिया है वो नहीं दिखा पाए क्योंकि शाम हो गई है और बैटरी भी डाउन है, फिर कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली वहां से आते हुए रास्ते में दो जगह पर रेलवे क्रॉसिंग का जाम मिला, इसकी वजह से काफी लेट हो गया और दूर का रास्ता है, आप सभी जानते हैं दूर में थोड़ा सा वक्त लगता है। फाइनली अभी 10 बजने वाले हैं, अभी हम घर पे पहुंचे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे और वीडियो को एडिट करेंगे। और हमें उम्मीद है ये ब्लॉग आपको काफी पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि अपने मनपसंद का कोई ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ इसी चैनल के माध्यम, तब तक के लिए बाय बाय।